नमस्कार मारा वाहला विद्यार्थी मित्रों, आज बात करीशुं धोरण 12 विषय हिंदी ना पाठ नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव पाठना स्वाध्याय संपूर्ण सॉल्यूशन करीशुं। ए पेला चेनल नी अंदर प्रथम वक्त आया छो तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करी देजो। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इनके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुन कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? जवाब आएगा ख, संघर्षमय। प्रश्न नंबर 2, किस साल में सुभाष बाबू का कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? जवाब आएगा ख, 1928 ની અંદર મિત્રો તેમને ઠોકર મળેલી છે। प्रश्न नंबर 3, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती? जवाब आएगा ग, डॉक्टर पट्टाभी को। प्रश्न नंबर 4, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद। जवाब आएगा ख। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री हो गए? सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए। प्रश्न नंबर 2, सुभाष बाबू किसकी कल्पनाओं पर खोए हुए थे? सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पनाओं पर खोए हुए थे। प्रश्न नंबर 3, सुभाष बाबू किन क्रांतिवादियों के दल में पहुंच गए थे? सुभाष बाबू सीआरहास के क्रांतिवादियों के दल में पहुंच गए थे। प्रश्न नंबर 4, सुभाष बाबू का किसके संघर्ष हुआ? तो सुभाष बाबू का ब्रिटेन की अंग्रेज सरकार से संघर्ष हुआ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे? सुभाष बाबू भारत की आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चित थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। प्रश्न नंबर 2, सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढंका? सुभाष बाबू दृढ़ विचार वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढंका। प्रश्न नंबर 3, इस देश में कौन कौन रहस्य होते आए हैं? तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्य होते आए हैं। उनमें देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग हैं जो प्राय रहस्य होते आए हैं। प्रश्न नंबर 4, सुभाष बाबू के लिए रहस्य क्या था? विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू का मृत्यु की खबरें उड़ी, पर उनकी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सभी सोचते रहे कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में वे जरूर मिलेंगे। सुभाष बाबू के लिए ये रहस्य था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा? सुभाष बाबू भारतवासियों के दिल में बसते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों ने जी में काटा सा चुभ गया, पर देशवासियों ने उनकी मौत पर विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे कि किसी दिन किसी वेश में सुभाष बाबू उन्हें जरूर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2, सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी एवं राष्ट्रपतित्व का पद किसके हाथों से ग्रहण किया था? सुभाष बाबू स्विट्जरलैंड में बीमार चल रहे थे। वहां से लौटकर वे भारत आए। गांधी जी ने हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व के लिए सुभाष बाबू को चुना। सुभाष बाबू ने कांग्रेस के सभापतित्व की गही एवं राष्ट्रपतित्व का पद गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और गांधीवादियों के हाथों से ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 3, सुभाष बाबू ने से गांव रेडियो पर से भारतवासियों के लिए क्या संदेश दिया? सुभाष बाबू के कलकत्ते से अचानक गायब होने से भारत के लोगों को बहुत चिंता हुई।
महीनों कहीं से कोई खबर न मिलने पर लोगों को उनकी मृत्यु की दुशंका होने लगी। इसी बीच से गांव रेडियो से सुभाष बाबू ने भारतवासियों को संबोधित किया और उनसे आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने से कहा। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारत तो आज़ाद हो जा। सुभाष बाबू का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता से किसी भी प्रकार भारत को आज़ाद कराना था। इसके लिए उन्होंने शस्त्र के बल पर देश को आज़ाद कराने को बीड़ा उठाया था। उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु जापान से सहायता ली, जिसके लिए देशद्रोहियों ने उन्हें जापान का 3 एजेंट तक कह डाला था, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह न की। वे अपने आप को वैसे किसी भी संकट में फेंकने को तैयार थे जिससे भारत आज़ाद हो सकता हो। प्रश्न नंबर 2, तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। सुभाष बाबू के विमान दुर्घटना में मारे जाने की अफवाहें फैली, पर देशवासियों की उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। वे देशवासियों के मन पर बने हुए हैं, जीवन पर छाए हुए हैं। उन्होंने भारतवासियों को युद्ध से संलग्न किया, उन्होंने युद्ध से जोड़ा और उनमें चेतना जगा दी। विद्यार्थी मित्रों, अँ संपूर्ण सॉल्यूशन पूर्ण थाय से आवाज सॉल्यूशनों मेलवा माटे चैनल ने सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों सुधी वीडियो शेयर करवानो भूलशो नहीं।